हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक प्रॉब्लम होती है मेथड ग्रेफाइज रूट स्क्वायरिंग मेथड, कि किसी जो इक्वेशन होती है क्यूब इक्वेशन, उसका हम रूट कैसे निकालते हैं। इस मेथड पर आपको 3 बार स्क्वायर करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रूट फाइंड करने होते हैं। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, तभी यह वीडियो आपको समझ में आ पाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहती है, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग ग्रेफाइज मैथड। ग्रेफाइज मैथड के द्वारा इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वेशन का बेसिक रूल क्या है सॉल्व करने का, आपको ऑड पावर देखनी है, जैसे एक्स क्यूब और यहाँ पर 17x, उसको एक ही तरफ रखो, और जो इवन पावर्स वाले टर्म है और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, कोफिशेंट है, उसको उठाकर राइट साइड दिया। देखिए, ये ऑड वाले पावर इधर और इधर इवन वाले, ओके हो गया यहाँ तक। अब जो कॉमन है दोनों में से, दोनों तरफ से कॉमन निकाल दो, जो भी कॉमन आपका बन रहा है। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, x बाहर निकाल दिया, इधर से क्या कॉमन आएगा, 2 बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या करना होता है, x जब आप बाहर निकाल दोगे कोफिशिएंट, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएंगे हम, कि एक्स स्क्वायर को क्या मानना होता है, y। ऐसे चीज़ें आपको 3 बार करनी पड़ेंगी, ठीक है, यू तक। अभी हमको पता चल जाएगा यू कब आएगा। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई मानना है, मान लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, वाई। ये हमने वाई रख दिया है। वाई रखने के बाद इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, पूरे इक्वेशन को, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दोगे और सॉल्व करोगे। हाँ, मैंने सॉल्यूशन पार्ट स्किप किया, आपसे कर सकते हैं, सिंपल ही है। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक, ये इक्वेशन मिल गई। अब फिर से वही टर्म, वही काम करना है, ऑड पावर्स को एक तरफ रखो, यहाँ से वाई क्यूब, यहाँ से वाई, लेफ्ट साइड में रखना है, और इधर से 35 स्क्वायर और 100 इधर आ जाएगा राइट साइड में, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, लेफ्ट से क्या कॉमन है, वाई, वाई कॉमन निकाल दिया, इधर से क्या कॉमन है, 10 बाहर निकाल दिया, ठीक। फिर से वही चीज, जब आप बाहर निकालोगे ना कभी भी कॉमन के बाद, अगला स्टेप होता है स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो आपको यहाँ से वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर प्लस 129 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3y स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करना है, दोनों तरफ सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से पहले आपको क्या, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे हम पहुँच जाएंगे, कि वाई स्क्वायर को हमें क्या मानना होता है, जेड मानना होता है। तो अब क्या करना है, जहाँ आपका वाई स्क्वायर है, जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है, इधर इधर यहाँ यहाँ वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना है, जेड रख देना है। तो हम ये z रख देंगे, ठीक। z रखने के बाद फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक तरफ ले आएंगे सारी चीज़ों को, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास। होने के बाद फिर से वही काम करना है, यहाँ से z क्यूब, इधर से z वाले टर्म एक तरफ रखने, और टर्म्स एक तरफ रखना है, और इधर से बाकी टर्म को राइट साइड ले आना है। फिर से हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कॉमन, z कॉमन आ जाएगा, ले लिया z कॉमन, अंदर बचेगा z स्क्वायर, बाकी के टर्म, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वैसे का वैसे ही। जब भी आप कॉमन निकाल, तो फिर से आपको स्क्वायर करना है। देखिए अभी हम जेड पे पहुँचे, बस एक ही बार और करना है, और बस हो गया। ये 3 टाइम स्क्वायरिंग मेथड है ना, यही ग्रेफाइज मेथड होता है। तो सर आप सोचोगे सर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रोसेस, यही एक्चुअली यही प्रोसेस है कि 3 बार करना होता है। अभी हम जेड पे हैं, अभी जेड से हम एक वेरिएबल यू पे आएंगे, बस काम खत्म। तो देखिए अब फिर से स्क्वायर कर देंगे, फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लास्ट अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएंगे।
लास्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करना होता है कि जेड स्क्वायर को यू मानना होता है, ठीक। तो जेड स्क्वायर को हमें यू मानना है, तो जहाँ जहाँ आपको जेड स्क्वायर दिख रहा है ऊपर, वहाँ वहाँ क्या रख दो, यू। ये रख दिया मैंने यू इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे। और कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, तो कैलकुलेशन तो आराम से हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। देन फिर क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर दोगे, इधर से भी सॉल्व कर दोगे, और सारे इक्वेशन को एक तरफ ला दोगे। ये आपका पास, यहाँ तक इक्वेशन आपका हो गया। अब आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार है। देखिए, जो हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन में दे रखा था, वो प्रॉब्लम हमें किस में दे रखा था, एक्स में दे रखा था, है ना। और हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, यू पे पहुँच गए हैं। कितनी बार किया हमने, अमूमन 3 या 4 बार हो गया है ना। तो एक्स में दे रखा था प्रॉब्लम, हम पहुंच गए यू पे, तो हमारा जो ओरिजिनल रूट है वो यू नहीं है, हमारा ओरिजिनल रूट है एक्स में, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसके रिक्वायर्ड रूट होंगे ओरिजिनल, वो हमने मान लिया। इफ़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी द रिक्वायर्ड रूट्स, ये हमने मान लिया, तो फिर क्या होगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला याद रखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको अभी सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगी। देखिए, अगर इक्वेशन ये होती ना, इज ए नॉट यू क्यूब प्लस ए वन यू स्क्वायर प्लस ए टू यू प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो, तो जो एक्स वन निकालने का, एक्स वन रूट निकालने का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ग्राफीज मेथड, वो है कि ए वन की पावर 1/8। 1/8 का मतलब अंडर रूट आपको कितनी बार प्रेस करना है, 4 बार। जो भी अंदर मटेरियल लगा आएगा, 5, 4 जो भी आता है, 5 लिखोगे, और अंडर रूट को आपको कितनी बार प्रेस करना है, 8 है ना, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, यानी कि 4 बार अंडर प्रेस करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 अपॉन a1 जो भी वैल्यू आएगी अपॉन 1/8, फिर उसको वही 4 बार रूट प्रेस कर दोगे कंप्यूटर कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर अलग होता है, मेरे पास एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं थे, वरना मैं आपको कैलकुलेशन ये भी करके दिखाता। और x3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a3 अपॉन a2 की पावर 1/8, ठीक। ये सारे वैल्यूज आपको पता ही होती हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर ये a1 a2 a3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है आपका a1, यहाँ है आपका a0 है, ये आपका a1 है, ये आपका क्या है a2 है, ये आपका a3 है, सारी वैल्यूज मालूम है, लिख लेना आप पहले हियर a1 a0 a2 a3 करके लिख देना, और फिर फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए, जब x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का फॉर्मूला क्या है, a1, a1 कितना है हमारे पास, a1 कितना है, 390882, ठीक है। हालांकि माइनस का है, लेकिन आपको लिखना प्लस का ही है, ओके। ये भी बात ध्यान रखना है, माइनस का नहीं लिखना है, ये जो मॉडल्स लगा रखा है ना मैंने मॉड, आपको वैल्यू हमेशा प्लस में ही छोड़नी है, इसीलिए अगर माइनस का है लेकिन लिखना प्लस का है, तो 390882 आएगा। इसको आप कितनी बार करोगे प्रेस अंडर रूट, 4 बार, 1 2 3 4, तो आपका आ जाएगा 5.0041, ओके, ये आ जाएगा। x2 का फॉर्मूला क्या होता था, x2 का फॉर्मूला है a2 अपॉन a1 का 1/8, ये आपका a2 है, ये आपका a2 है, ये आपका a1 है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस की पावर 1/8, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 256.83167, और फिर पावर में 1/8, यानी कि अंडर रूट कितनी बार प्रेस करना है, 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.0081, ये हो गया। x3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a3 अपॉन a2, a3 क्या है हमारे पास, देखिए ये हमारा a3 है और ये हमारा a2 है, डिवाइड कर देंगे, a3 अपॉन a2 की पावर 1/8, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.999512, ठीक है। तो अब अगर एग्जैक्ट रूट की अगर बात करें तो 5.00041 है, तो यानी कि ये 5 ही है एक्चुअली, 5 लिख देंगे, ये क्या है 2.00081, यानी कि ये 2 है, और ये कितना है 0.999512, यानी कि लगभग 1 है ये, तो ये हमारे एग्जैक्ट रूट आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर चैनल पर नए हो
तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मुझे आपका सपोर्ट यूँ ही मिलता रहे। और जो भी वीडियो आपको चाहिए हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।